नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएस कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ना होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो हम बना रहे हैं सीएस के कोर्स के सब्जेक्ट्स के बारे में। और पिछले कुछ दिनों से हम अलग अलग एस्पेक्ट लेके प्रोफेशनल कोर्सेज का जो भी एस्पेक्ट है उसके बारे में हम वीडियो बना रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में हमने सीए के बारे में, सीएस सीएमए के बारे में वीडियो बना चुके हैं और पिछले कुछ वीडियो में हमने सीएस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन ली है। और आज जो हम इन्फॉर्मेशन लेंगे उसका टॉपिक है सीएस कोर सब्जेक्ट। अगर हमें सीएस करना है तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं उसके बारे में आज हम इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो जैसे कि पता है, हमें पता है कि सीएस में तीन स्टेजेस से हमें जाना पड़ता है। जो लोग ट्वेल्थ के बाद आते हैं उनको तीन स्टेजेस, जो ग्रेजुएशन के बाद आते हैं उनके लिए दो स्टेजेस। पहला स्टेज होता है सीएस फाउंडेशन, दूसरा होता है सीएस एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है सीएस प्रोफेशनल। तो हर एक स्टेज पे अलग अलग सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं, उसके बारे में आज हम इन्फॉर्मेशन लेंगे। मेरे प्यारे सभी दोस्तों को मेरी एक दरख्वास्त है, अगर आप तक इस चैनल पर आप नए हो, अभी तक आपने ये मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, तो मेरा ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एकेडमिक इंसाइट्स, को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में यहाँ पे जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशंस अपने आप अब तक आ जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना टाइम गंवाए, और यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ना है, कौन से लेवल पर कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पर तीन स्टेजेस है और तीन स्टेजेस के अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। और जैसे कि हम फाउंडेशन की बात करते हैं तो फाउंडेशन में चार पेपर्स हमें पढ़ने पड़ते हैं एज़ पर द न्यू सिलेबस फ्रॉम 2017 के नए सिलेबस के हिसाब से। सीएस फाउंडेशन में हमें चार सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। सीएस एग्जीक्यूटिव में हमें 2018 के सिलेबस के हिसाब से हमें दो मॉड्यूल्स होते हैं, दो ग्रुप्स होते हैं, और दो ग्रुप्स में कुल मिला के हमें आठ पेपर्स पढ़ने हैं। और सीएस प्रोफेशनल में हमें तीन ग्रुप्स होते हैं और तीन ग्रुप में मिला के हमें कुल मिला के हमें नौ पेपर्स पढ़ने होते हैं। तो आठ बारह और नौ इक्कीस सब्जेक्ट हमें पूरे मिला के पढ़ने पड़ते हैं। जो लोग ट्वेल्थ के बाद सीएस करते हैं और जो लोग ग्रेजुएशन के बाद सीएस करते हैं उनको आठ और नौ यानी कि 17 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो ये है ब्रीफ आइडिया अबाउट द कोर्सेस और सब्जेक्ट्स जो हमें पढ़ने होते हैं सीएस में स्टेज के हिसाब से। फाउंडेशन में चार, एग्जीक्यूटिव में आठ और प्रोफेशनल में नौ, इतने सारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं। देखते हैं हमें फाउंडेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और साथ ही में एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, ये है यहाँ पर लिस्ट। फाउंडेशन की अगर हम बात करेंगे तो हमें चार सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, उसके नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट एथिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये हैं फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव की तो ज्यूरिप्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, कंपनी लॉ, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, टैक्स लॉज, कॉरपोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट्स, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये हैं दोनों मॉड्यूल्स के एग्जीक्यूटिव के सब्जेक्ट्स। जैसे कि मैंने बोला, फाउंडेशन में चार और एग्जीक्यूटिव में आठ हमें पेपर्स पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम जा सकते हैं। अब बात करेंगे सीएस प्रोफेशनल की, जहाँ पे हमें तीन ग्रुप में अलग अलग नौ सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। और वो कौन से नौ सब्जेक्ट है 2018 के सिलेबस के हिसाब से। मॉड्यूल वन की बात करेंगे तो मॉड्यूल वन में है गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंसेस एंड एथिक्स, दूसरा है एडवांस टैक्स लॉस, तीसरा है ड्राफ्टिंग, प्लेजिंग एंड अपेयरेंसेस। जो मॉड्यूल वन में ये तीन सब्जेक्ट्स आते हैं, मॉड्यूल टू में और तीन सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि सेक्रेटरियल ऑडिट, कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, रेजोल्यूशन एंड कॉरपोरेट डिस्प्यूट्स। ये तीन सब्जेक्ट मॉड्यूल टू में आते हैं। और मॉड्यूल थ्री में दो सब्जेक्ट्स हैं जो है कॉरपोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंजेस, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज। और ये जो नीचे आठ सब्जेक्ट दिख रहे हैं उसमें से हमें एक सब्जेक्ट एज इलेक्टिव लेना पड़ता है। तो ये है तीन मॉड्यूल्स और तीन मॉड्यूल्स के कुल मिला के नौ सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो ये है प्रोफेशनल कोर्सेज के नौ सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हमने बात की है अलग अलग कोर्स और स्टेजेस के हिसाब से जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उसकी हमने बात की है। मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जो भी सब्जेक्ट्स हैं सीएस कोर्स में, पूरे के पूरे आप
आपको मैंने उसकी आइडिया दी है, आपको आइडिया पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ये वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही में ये वीडियो आपके दोस्तों को, आपके रिलेटिव्स को शेयर करना ना भूलिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स दिख रहा है वहाँ पे कमेंट लिखना ना भूलिएगा ताकि इस प्रकार के वीडियोस को हम और भी बेहतरीन बना सकें। तो आज के लिए इतना ही, आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कुछ नई बात अबाउट CS कोर्स। तब तक के लिए धन्यवाद।